देखिए आशु खान को मारते हुए पुलिस वाले। ये आशु खान पे बजाते हुए पुलिस वाले बन रही है, वीडियो बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऑफिसर कर लो, इसे उस पे चलाओ ना, लाइव चलाओ, वीडियो लाइव चलाओ, लाइव। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखिए, रुक जा, एक मिनट क्या, रुक जा, सर फोड़ दिया तुमने, सर फोड़ दिया है यहाँ पे। ये ले जाते हो आशु खान को, ये जबरदस्ती ले जाते हो पुलिस वाले। चलो भाई गाड़ी निकाल लो, मैं ऑटो राजू भाई गए उनके साथ गाड़ी। तो वीडियो जो आपने देखी है जिसमें कई पुलिस वाले एक शख्स को खींच कर ले जा रहे हैं, घसीट रहे हैं, कुछ मैन हैंडलिंग हो रही है, वो कहीं और की नहीं बल्कि इसी जगह की है जो चंद घंटों पहले की है। ये ओखला इलाका है, अबुल फजल इनक्लेव, ठोकर नंबर 3 है, शाहीन बाग रोड है, जहां आप ये तस्वीरें लगे देख रहे हैं। और पुलिस के अफसरान और जवान, जिसमें खुद SHO शाहीन बाग भी शामिल है, वो लेकर के जिस शख्स को जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ओखला के सामाजिक कार्यकर्ता आशु खान है। आशु खान से क्या तमाम मामलात हुए, किस वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए, यहाँ हम लोग पहुंचे हैं और एक बार वो वीडियो दोबारा आपको दिखाना चाहते हैं जो कि आपने चंद लम्हे पहले एक नजर देखी थी। ये देखिए आशु खान को मारते हुए पुलिस वाले। ये आशु खान पे बजाते हुए पुलिस वाले बन रही है, वीडियो बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऑफिसर कर लो, इसे उस पे चलाओ ना, लाइव चलाओ, वीडियो लाइव चलाओ, लाइव। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखिए, रुक जा, एक मिनट क्या, रुक जा, सर फोड़ दिया तुमने, सर फोड़ दिया है यहाँ पे। Oh, my God.
मस्ती ले जाते हैं पुलिस वाले। अच्छा भाई साहब क्या मस्ती ले जाते हैं भाई जबरदस्ती। आशु खान के घर पर कुछ पुलिस वाले पहुंचे थे, उनसे किस बात को लेकर के कोई बातचीत हुई थी, क्या पूरा मसला हुआ था, आशु से ही जानने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका मेडिकल भी कराया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ट्रॉमा सेंटर में आशु का मेडिकल हुआ। तो यहाँ से जिस समय पुलिस लेकर के गई है आशु खान को, उसके पीछे की वजह क्या है वो सब आशु ही बताएंगे। और जो पूरा इलाका है उस समय यहाँ लोगों को नहीं पता था कि आशु के घर पर जहाँ भास्कर कंपाउंड में मैं खड़ा हुआ हूँ, इसी जगह आशु की रिहाइश है, यही इनके तमाम रिश्तेदार वगैरह भी रहते हैं, इसी बिल्डिंग में ऊपर आशु खान का घर है। चलता हूँ वहाँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मामला हुआ क्या, किस वजह से पुलिस ने आकर के उनको पकड़ा, क्यों मैनहैंडलिंग हुई है। इन तमाम तथ्यों को, इन तमाम सवालों को जानने के लिए चलते हैं आशु खान के घर पर ही, जहां से लेकर के पुलिस उनको नीचे यही भास्कर कंपाउंड 3 नंबर ठोकर पर लेकर आए और फिर यहां से शाहीन बाग थाना लेकर के गए थे। चलते हैं आशु खान से ही पूछने भास्कर कंपाउंड में, जहां आशु खान का घर है वहां पर अभी हम लोग पहुंचे, हमारी टीम यहां पहुंची है क्योंकि रात का समय है और काफी वक्त गुजर गया था, लोग जानना भी चाह रहे थे कि आखिर हुआ क्या पूरा मसला और वो तमाम चीजें। फिलहाल आपके स्क्रीन पर आशु खान इस समय बैठे हुए आप देख पा रहे हैं, अपने भाइयों के साथ में, चाचा, दोस्त, अहबाब, इनके रिश्तेदार, पूरा परिवार सभी घर पर हैं। और जो रूमर्स चलाए गए या फिर कई लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ सेक्शंस पर ये खबर चलाई कि आशु खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके साथ में इनके चाचा और खुद एडवोकेट असगर साहब भी मौजूद हैं, आशु खान बैठे हैं, उनके और भाई भी हैं, तमाम अजीज व अकारीब हैं उनके। और आशु खान क्योंकि जब यहां पर पहुंचे, ये खबर सोशल मीडिया पर जिस समय चली है, जो वीडियो आप लोगों ने भी चंद मिनट पहले देखी, उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा था कि आशु खान को ले जाने के लिए कुछ मैनहैंडलिंग पुलिस वाले कर रहे हैं, जिसमें खुद SHO भी शामिल थे। हालांकि SHO से या इस बारे में हमारी तो बात नहीं हो सकी है, वाकया क्या था वो तमाम चीज के ना पहलू में जाकर के सबसे पहले मैं आशु खान को आपको दिखा दूं कि ये बिल्कुल फिट और सही सलामत अपने घर पर बैठे हैं। आशु, दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग सुनने को बेताब थे कि आप कहाँ थे, आपको चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, और बहुत लोगों के फोन भी आ रहे थे कि आखिर ऐसा मसला हो क्या गया अचानक से कि आशु खान चले गए, पुलिस ले गई। सर, एक सुरेंद्र नाम का पुलिस वाला था, वो मैं नीचे अपनी वाइफ को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा था दिखाने, जब मैं घर से नीचे उतरा उसने मेरे साथ मदतमीजी की और उसने मेरा हाथ पकड़ा। पहले मैंने उसको बताया, यार तुमने कल एक गाड़ी पकड़ ली थी, वो गलत पकड़ी, गरीबों को परेशान मत करो, एक दो शिकायतें हो रही हैं, मैं 20 साल से सियासत कर रहा हूँ उखला इलाके में, तो मैंने बीच में SHO साहब से शिकायत करी थी उसकी, मैंने ये चीज़ें गलत कर रहे हैं सुरेंद्र, और आप समझाइए, संजय भाई से भी करी और विजयपाल भाई से भी करी, तो फिर उन्होंने डाटा भी पे उस चीज को, इन्हें एक दुकानदार थे उनसे पेंट ले लिया फ्री में, किसी की गाड़ी बाई गाड़ी करा ली, वो ये चीज बुरा मान के ये बैठा हुआ था। दूसरी चीज, इसने जब मैं नीचे उतरा तो मैंने जब बात समझाई तो 2 मिनट बात करने के बाद मुझसे मदतमीजी करने लगे, जब मदतमीजी करी तू ताड़क करी, देखिए ना हम तू से बोलते हैं ना सुनते हैं, इज्जत देते हैं, इज्जत देते हैं, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, तो जब इन्होंने मदतमीजी करी उसका जवाब मैंने दिया, फिर इन्होंने कुछ ऐसी बात करी जो माहौल खराब हो वहां पर, पब्लिक फिर पब्लिक बीच में आ गई, जो मैं अकेला था उस टाइम, पब्लिक रास्ते की जो थी वो उतर गई, इन्होंने मेरे कुछ लैंग्वेज गलत यूज करी वो मैं आप बता नहीं सकता, उसका फिर मैंने जवाब दिया इनको, क्योंकि मैं सेकुलर आदमी हूं। लेकिन राशि खान, क्योंकि आप इतने टाइम से सामाजिक कार्यकर्ता हो, इलाके के लोगों के लिए खड़े रहते हो, टाइम बाय टाइम नहीं इस चीज को देखते या समझते, लोगों के हमदर्दी में आगे रहते हो, तो पुलिस का स्टाफ तो आपको जाहिर सी बातें सब जानता ही है, चाहे SHO हो, ACP हो, तमाम लोग आपको अच्छे से जानते हैं। हाँ, SHO साहब ने बड़ी इज्जत करते हैं, ACP साहब चले गए वो भी बड़ी इज्जत करते थे। अब ये बताइए, सीनियर जो ऑफिसर है वो ये कहते हैं जहाँ करप्शन हो जहाँ वहाँ आवाज उठाओ, मैं सोशल वर्कर हूँ, पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ, इन जैसे सुरेंद्र जैसे करप्ट लोग यहाँ पर लोगों को परेशान करते हैं, मेरे पास विटनेस है, बहुत सारी चीजें उसके प्रूफ है, तो मैं यहाँ इसी जहां ये बीट का है वहां मैं 500 लोगों को खड़ा कर दूंगा लाके, इसके साथ में एक आदमी खड़ा होगा, उस चीज को इसको बुरा लगा और इसी चीज के खिलाफ मैंने आवाज उठाई और आवाज उठाने की वजह से मेरे साथ ये हादसे हो गए। पहले मेरे ऊपर चुपते, वहां एक डिवाइडर था, मैं आज दुनिया में नहीं होता, मर जाता, वो डिवाइडर मेरे सर बज गया, सर लगते लगते, और 10 पुलिस वालों ने डंडे, ये देखिए मेरा सर फटा, मेरे हाथों में चोट है,
कई इन लोगों ने मेरे साथ ये किया है, ये देखिए ये है और ये देखिए मेरा तो हाथ मूव भी नहीं कर रहा है, मेरे चोटे बहुत हैं। इतना क्यों मार दिया गया मतलब है? ये देखिए आप, अच्छा देखिए पैरों में है, चला भी नहीं जा रहा है। तो ये चीज मुझ जैसे आदमी के साथ हो रही है, आम आदमी के साथ क्या होगा? बिहेव किया जैसे मैं क्रिमिनल हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। आज तक कोई बता दे मेरे दामन में दाग हो, मैंने गलत काम करा हो, मुझे आप जेल के अंदर डालो। कभी मैंने गलत काम करा हो, मैं सबके लिए खड़ा रहता हूँ, खुला की आवाम के लिए। कभी हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं करता, सबको लेकर चलने वाली बात करता हूँ। जहां कोई मसला होता है वहां खड़ा हो जाता हूँ। और मेरे साथ जो ये चीजें हुई और मेरे साथ के लोगों के साथ जो चीजें होती, बार बार मेरी यहाँ पुलिस आ जाती है, अरे बुलाओ यार, मैं टेररिस्ट को हूँ, मैं आतंकवादी को हूँ, मैं क्रिमिनल को हूँ। आप कोऑपरेट कर रहे हैं? आप कोऑपरेट कर रहे हैं हर केस में पुलिस को, जो जैसे केसेस वगैरह है? कभी भी पुलिस आई, जैसे 15 तारीख को मुझे लेके गई घर पान की, मेरी फैमिली परेशान होती है, मेरी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं हमेशा चुप चाने मेरे चाचा को इन्फॉर्म करा और उनके साथ जिप्सी में बैठा और चला गया। अब ये बताइए मोहल्ले में हमारी इज्जत है, हमें जिस तरीके से ये लेके जाते हैं जिप्सी में बैठा के, क्या इज्जत रहेगी? क्या पब्लिक हमारी बात सुनेगी? क्या पुलिस ये साथ? हाँ हम गलत करें आप करो हमारे साथ, पर कभी हमने ना गलत करा ना करेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे रिमोट कुछ गलत टाइप की फैला दी, उसके बाद फिर हमने SHO से बात की, SHO साहब ने हमारा पूरा साथ दिया और साथ देने के बाद उन्होंने आज उसी का अचीवमेंट यह है कि ये यहाँ पर बैठे हुए हैं आशु यहाँ। वैसे अब रहा सवाल इस बात का कि गलतियां होती हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं, उन गलतियों का मकसद ये नहीं है कि एक आदमी को जो एरिए के अंदर समाज सेवा करता है, जो आदमी हर वक्त आपसे जुड़ा है, एरिया से जुड़ा है, पूरे ओखला क्षेत्र और विधानसभा से जुड़ा हुआ है, उसको इस तरीके से एक करने के बाद उसको जिप्सी में डाल के लेके जाया जाए, सर में लाठी मार दी जाए, सर फट जाए, खून खून हो जाए, वो मेरे हिसाब से गलत है। नहीं नहीं, वो मेडिकल हुआ है उसकी, उसी टॉपिक पे हमने SHO साहब से बात की है और SHO साहब ने पूरा आश्वासन ये दिलाया है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और आप बिल्कुल मुतमईन रहो, अगर हमारा आदमी सदाकत जोशी है तो हम बिल्कुल उसको सजा दिला के रहेंगे और जो एज पर एज पॉसिबल हुआ कानूनी तौर पर हम उसके अगेंस्ट अपने स्टाफ में एक्शन लेंगे। और जब भी ऐसा हुआ, अगर पुलिस ने, चूंकि मैं यहाँ वकालत करता हूँ तकरीबन 35 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ और ओखले के इसी इलाके में रहता भी हूँ, तो लगभग पुलिस के लोग जो पहले से भी जानते हैं वाकिफ हैं, कभी भी उन्होंने मुझसे कहा, या ये मेरे छोटे भाई हैं नजमी, इन्होंने वकालत, ये भी वकालत करते हैं, इनसे कहा तो हम लोगों ने, या हमें खुद भी पता चला कि किसी केस में वांटेड है या जरूरत है या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या पुलिस को इंक्वायरी करना चाहती है, तो हमने खुद पुलिस के हवाले किया। इससे पहले शाहीनबाग के मसले को लेके इनके ऊपर कुछ तोहमत इल्जाम लगाए गए और उसमें इनको बुलाया गया, मैंने और एडवोकेट नजमी जो मेरे छोटे भाई हैं, हम लोगों ने खुद हाथ पकड़ के ले जाके वहां इनको दिया। उस वक्त पे थोड़ी पुलिस का रवैया ठीक नहीं था और उन्होंने वो स्पेशल स्टाफ के लोगों को के हवाले कर दिया, फिर बात को उसको हैंडल किया, चूंकि ये बेगुनाह थे इसलिए उसके बाद इनकी बिल्कुल। अजहर खान साहब, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि इनका अपना कुछ पर्सनल यानी जाति मुफाद तो नहीं है? मैं सिर्फ ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कानूनी नुक्ते नजर से भी आप अगर बता सके दर्शकों को भी, आज जो भी सिनेरियो हुआ, वीडियो बनी, वायरल हुई, पुलिस ने धक्का मुक्की की जबकि अपनी वाइफ को लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर के दिखाने के लिए, दूसरे लोगों की अगर हक की आवाज ये बन रहे हैं तो क्या ये तरीका ठीक था इस तरह से जाने का? यही बात मैं आपको यही बात कहना चाह रहा था और इसी बात का एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था कि ये तरीका इनके लिए नहीं, ये तरीका इनके लिए नहीं, ये तरीका किसी के लिए भी गलत है। ये सियासी आदमी है, इनका सियासी मिजाज, सियासी किरदार और यहाँ पे सियासी पहलू है इनके सब, लेकिन ये कि ये तो किसी के लिए, एक आम आदमी के लिए भी गलत है। इसका तरीका एक ये होता है, इस चीज को फरहान भाई आप गौर से समझ लें और अपने दर्शकों को बताएं कि कानून से बढ़कर ना कोई वकील है, ना डॉक्टर है, ना कोई नेता है, ना कोई पुलिस ऑफिसर है। बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर अगर इस शहर, इस टेरिटरी का कमिश्नर भी हम कहें या लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहें, वो भी सब कानून के नीचे हैं, कोई कानून से बड़ा नहीं है। तो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस को भी। उसका तरीका एक कार है, अगर आपको किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना है तो आप उसको नोटिस इश्यू करें, अगर वो नहीं आता, एब्सकॉन्ड करता है या उसका रवैया ठीक नहीं है, वो दो काम करेगा, या तो वो भाग जाएगा या आपके पास आएगा, और तीसरा स्टेप यह है कि वो कोर्ट चला जाएगा। तो अब इनके मैटर के लिए क्या आप जाएंगे कोर्ट या फिर आप बात करेंगे कुछ अफसरान वगैरह से? मैंने जैसे अभी बताया कि मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ, इनके मैटर को मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। अगर वाकई उस पुलिस ऑफिसर की इतनी जातियां हैं तो ये सवाल सिर्फ आशु का नहीं है, ये पूरे इलाके का सवाल है, पुलिस के अपने किरदार का सवाल है, हम सबकी डिग्निटी का सवाल है, ये सारे सियासी मिजाज का सवाल है। पूरी हमदर्दियां, पूरा मेरा मिजाज, पूरी सियासत सब यहां से जुड़ी है, तो मेरा फर्ज बनता है
कि यहाँ के तमाम लोगों को सरपरस्ती दें और उस पर गौर करें। ये एक पुलिस ऑफिसर की बात नहीं है, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ कदम उठाएंगे, और कोई अगर बेहतरी का फैसला लेगा तो हम उसके साथ जाकर खड़े भी होंगे। अगर कोई ठीक फैसला लेगा, कोई आवाम में से अगर कोई गलत कर रहा है तो हम पुलिस वालों के साथ खड़े होंगे और उनकी मदद करेंगे, उनकी हिमायत करेंगे। लेकिन जब आपके साथ हो, अगर कोई हमारे साथ या आवाम के साथ, हमारे साथ ही नहीं, हम भी आवाम में से हैं, हम कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं, यहाँ की आवाम है और हिंदुस्तान के सिटीजन है। अगर ये कानून के दायरे से बाहर होते तो आज यहाँ नहीं बैठे होते, जेल की सलाखों के पीछे होते। तो यहाँ है, इस बात की दलील है कि हम सब कुछ, और ये भी वकील है, मैं ये भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये खुद भी वकील है। तो आज जो ये वाकया हुआ बिल्कुल नाजेब है, इसलिए नाजेब नहीं है कि ये आशु के साथ हुआ, ये मेरे भतीजे हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए कि ये एक हिंदुस्तानी सिटीजन के साथ हुआ है, ओखले के एक बाशिंदे के साथ हुआ है, और हमारी कयादत के ऊपर एक बहुत बड़ी उंगली और बिल्कुल दूसरों के है। बिल्कुल दूसरों की, एक ऐसा शख्स जो सामाजिक कार्यकर्ता है, दूसरों के दुख दर्द में खड़ा रहता है, अगर उसके ही साथ इस तरीके से हो तो फिर आम आदमी की बात क्या की जाए। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया, आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ।